है। पहले अनबॉक्सिंग करूंगी उसके बाद नाश्ता करूंगी। चलिए बहुत लंबी लाइन लग जाएगी। तो फ्रेंड्स मैं नहा धोवा ली हूँ और चल रही हूँ स्कूल में, क्योंकि देखिए तो मैं कैसी लग रही हूँ। और इधर देखिए इन्हें फोटो और गैलरी। अभी कुछ हुआ नहीं है, बस सुबह उठ के, क्योंकि 8 बजे से जाना था स्कूल में, तो जा रही हूँ, नहीं तो बहुत लंबी लाइन लग जाएगी। तो फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में आने के बाद ही तुरंत लाइट कट गया है, तो सब कुछ एकदम अंधेरा अंधेरा हो रहा है। तो मैं क्या करूँ, इधर अपना शुरू कर रही हूँ काम। तो मैं यहाँ आटा लगा के रख दी हूँ, देखिए, और आटा लगा दी हूँ, चल रही हूँ थोड़ा प्याज और मिर्चा जो भी सब्जी बनाएंगे। तो आलू चना की सब्जी बना रही हूँ, तो चलिए बनाते हैं। अब मैं बाबू को दिखाती हूँ कि वो क्या कर रहे हैं, चाय थोड़ा कम कर देती हूँ। क्या हो रहा है? हाँ, तो चारों तरफ जो है अंधेरा अंधेरा हो गया है, क्योंकि लाइट ही कट गया है इसी की वजह से। तो फ्रेंड्स जैसे ही मैं प्याज कटिंग की, लाइट आ गई है। तो इसमें है आपका हल्दी, नमक, धनिया, जीरा, लहसुन आदि, गोल मिर्च, मतलब सभी खड़े मसाले हैं। और अब हम इसे पीस लेंगे। मसाले हमारे पीस गए हैं, तो चलिए डाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स मसाले जो है भून रहे हैं, और मैं इसे यहाँ ढक देती हूँ, ढक दी हूँ। तो तवा भी गर्म है, देखिए तवा जो गर्म है, ये कुछ रात की रोटियां हैं, और ये मैं आटा गूंथ के रखी हूँ। तो अब मैं रोटी बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स ब्रेकफास्ट बन गया है, और इधर देखिए हो रही है, बहुत टेस्टी बना है। और इन्हें देखिए क्या कर रहे हो, ये दिन रात जहाँ का भी स्विच इनको मिल जा रहा है, फैन ऑन करने का, लाइट ऑन करने का, ऑफ ऑन करते रह रहे हैं। तो अब मैं भी चल रही हूँ ब्रेकफास्ट करने, तो चलिए चलते हैं। पहले बाबू के लिए ना थोड़ा सा कुछ इनको दूं, तब। तो फ्रेंड्स बच्चे ब्रेकफास्ट कर लिए हैं, और मैं भी बाबू के लिए देखिए दूध रोटी जो है लेके आ गई हूँ। और ये जो आप मोबाइल देख रहे हैं ना, इसको इतना ही मेरा बाबू फोड़ा था, मैं ले जाके बनवा के लाई हूँ। और अभी मैं ऑर्डर की हूँ ये पार्सल, देखते हैं अनबॉक्स करके कि क्या है, कि बहुत सी चीजें ना मन कर रहा है कि ऑर्डर करें, फिर सोच रहे हैं लोकल मार्केट में जाएं, लोकल मार्केट में जाने का समय नहीं है, तो इसलिए मैं ऑनलाइन ही इसको परचेज की हूँ। और थोड़ा बाबू को खाना खिला दी, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो पहले ब्रेकफास्ट करें कि पहले अनबॉक्सिंग करें? खाना खाऊंगी ना, मतलब नाश्ता करूंगी। और देखिए मैं रोटी और ये आलू चना की सब्जी, अच्छा बना तो, और दही है। अगर मैं ये खाने बैठूंगी ना, तो फिर अनबॉक्सिंग का मजा खत्म हो जाएगा। तो पहले अनबॉक्सिंग करूंगी उसके बाद नाश्ता करूंगी। चलिए तो ये बहुत दिनों से ना मेरा मन कर रहा था कि मैं ये वाला ऑर्डर करूं,
शॉपिंग के लिए, क्योंकि जल्दी जल्दी ट्यूशन जाते हैं बच्चे या फिर हस्बैंड जाते हैं ड्यूटी, तो जल्दी के चक्कर में मैं बहुत वीडियो में देखी भी और एड भी आ रहा था टीवी पे हर जगह, ये चॉपर बढ़िया है आप लीजिए, बहुत से लोग रिव्यू भी दे रहे थे इसका कि बहुत अच्छा है, पर मैं इसको यूज तो नहीं की, पर बहुत ही गंदा बहुत ही बेकार टाइप का ये सामान है, और एक बार देखने से ही मतलब ऐसा लग रहा था खिलौना है। आप एक बार जब इस पे काम करेंगे ना, दूसरा बार आप काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये टूट गया रहेगा, और ये ऐसा लग रहा था कुछ लगा हुआ है, बालू से रगड़ दिया गया, मतलब बहुत सारे स्क्रेच थे। तो फिर मैं वैसे ही पैक वगैरह करके रख दी। ऐसे तो ऑनलाइन बहुत से सामान दिखते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बिना देखे ही खरीद लेते हैं, तो यही हाल होता है। तो फ्रेंड्स आप लोग देख ही लिए कि एकदम बेकार है, मतलब किसी काम का नहीं है। तो चलिए मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, हाथ वगैरह धो के आ गई हूँ, और ब्रेकफास्ट में है मेरी रोटी जो है एकदम टाइट हो गई है, तो चलिए पहले खा लेते हैं, मतलब नाश्ता कर लेते हैं। और समय देखिए हो रहा है आपका, समय हो रहा है आपका 11:20, तो मैं ब्रेक तो अच्छा हवा बह रहा है और थोड़ा ठंडा का मौसम जैसा हो गया, तो चलिए चलेंगे अब किचन में। और बच्चों को बोली हूँ पढ़ने के लिए, पर ये आजकल पढ़ नहीं रहे हैं क्योंकि इन लोगों की है स्कूल में छुट्टी, जब स्कूल थोड़ा चालू हो जाएगा शायद ये लोग पढ़ने लगे। और बाबू को मैं दिखाती हूँ कि वो क्या कर रहे हैं। इधर देखिए किचन जो है, बच्चे इधर चावल वगैरह निकाले हैं तो सब गिरा दिए हैं, और इतना चावल ना बचा हुआ है। दोपहर में जो मैं खाना बनाई थी तो राइस ये लोग नहीं खाए, बोले कि रोटी बना दो, तो फिर मैं रोटी बनाई। तो अभी देखिए सोचती हूँ क्या बनाती हूँ, चलिए बनाते हैं। आटा मैं लगा दी हूँ और ये बनाती हूँ। अब मैं चल रही हूँ पराठे बनाने, क्योंकि रात को ज़्यादा नहीं खाने हैं, एक एक सभी खाएंगे, तो चलिए बनाते हैं। तो पराठा वगैरह बन रहा है और मैं दे भी आ रही हूँ सबको, तो आई होप आप सबको पसंद आया हो। और आजकल मेरा वीडियो आ ही नहीं रहा है, मतलब मैं वीडियो शूट तो कर रही हूँ पर अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। आप लोग सोचिए मैं बहुत बड़ी समस्या में पड़ गई हूँ, मतलब मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है कि ये सारी चीजें करूँ। पर थैंक यू सो मच, आई होप आप सबको पसंद आया हो, और पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय।